प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना से युद्ध जारी है। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में हम भी लड़ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव प्रकरण मिल रहे हैं, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। संदिग्ध का टेस्ट करना, जांच करना और पॉजिटिव पाए जाए तो इलाज के लिए ले जाना, उससे संपर्कित को क्वारंटाइन में रखना, उसके घर के आसपास के इलाके को सील करना, ये कोरोना को मारने का उपाय है। और इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, जांच की, इलाज की, आइसोलेशन में रखने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस युद्ध में जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क राशन प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। सहरिया, बेगा, भारिया बहनों और भाइयों के खाते में 2,000 रुपए डाले जा रहे हैं। कल ही 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 430 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के हमने डाले। निर्माण श्रमिकों के खाते में 88.5 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए। मध्यान्ह भोजन की राशि 117 करोड़ रुपए से ज्यादा बच्चों के खाते में डाल दी गई है। रसोइयों को 2,000 रुपए का भुगतान खाते में कर दिया गया है। संपत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स, केसीसी की राशि जमा करने की तिथि बढ़ा के 30 अप्रैल तक कर दी गई है। मकान मालिकों को कहा गया है कोई किराएदार को नहीं निकालेगा और किराया वसूली भी नहीं होगी, बाद में किस्तों में ले लेना, ये संकट का समय है। फैक्ट्री के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कोई अपने मजदूर को नहीं निकालेगा, उनकी तनख्वाह भी नहीं काटेगा, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करेगा। किसान भाइयों, उपार्जन गेहूं का भी फिलहाल रोका गया है, क्योंकि हम कोरोना के खिलाफ अभी लड़ाई में लगे हैं। लेकिन चिंता मत करना, पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर आवश्यक उपाय इस युद्ध को जीतने के लिए हम कर रहे हैं। आपका सहयोग मिल रहा है, लेकिन और चाहिए। और सहयोग में सबसे बड़ी चीज है, आप घरों के बाहर मत निकलिए। क्या हम कुछ दिन केवल अपने घर में नहीं रह सकते? अपने लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए हम पढ़ सकते हैं, रामायण महाभारत देख सकते हैं, योग व्यायाम कर सकते हैं, बच्चों के साथ समय गुजार सकते हैं। इन दिनों में अलग ढंग से जिए। बाहर निकलने से पूरी तरह से बचें। सब्जी के अनेकों विकल्प हैं, हम कढ़ी, बड़ी, दाल, पापड़ की सब्जी पहले भी तो खाते रहे। इस लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी है आपका हर संभव सहयोग मिले। लक्ष्मण रेखा प्रधानमंत्री ने बनाई है, उसको पार ना करें। कोई गड़बड़ करेगा तो सख्ती भी होगी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हमें आपके लिए जीतना है, आपके साथ मिलकर जीतना है। मैं कोरोना में जो हमारे योद्धा हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के साथी, नगरीय निकायों के कर्मचारी, राजस्व के कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा उषा कार्यकर्ता हैं, अनेकों साथी, सरकारी, गैर सरकारी, समाजसेवी संस्थाएं, सब मिलकर लड़ रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं।
आइए लड़े कोरोना से और हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।